हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम के लिए है। चैप्टर 6 की प्रश्नावली 6.1 को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी जमा कोण बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री और कोण बी ओ डी बराबर है 40 डिग्री, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। इस आकृति के अंदर कोण ए ओ सी, ये जो कोण हमारे पास है ए ओ सी, ये कोण और बी ओ ई, बी ओ ई, इन दोनों कोणों का जोड़ है वो 70 डिग्री के बराबर है और कोण बी ओ डी, ये जो कोण है ये हमें दे रखा है 40 डिग्री। हमें कोण बी ओ ई, बी ओ ई, ये कोण, इस कोण का माप बताना है और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, हमारा कोण सी ओ ई है ये, लेकिन हमसे पूछा गया प्रतिवर्ती कोण, तो सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा ये कोण, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो ये हम निकालेंगे। हमें जो दिया था उसको लिख लिया हमने पहले और जो ज्ञात करना उसको लिख लिया है। आकृति के अंदर देखिए ए ओ सी, ए ओ सी ये जो कोण है ये, और कोण बी ओ ई, इस कोण का जोड़ हमें 70 दे रखा है। कोण बी ओ डी, ये जो कोण है नीचे का बी ओ डी, ये दे रखा है हमें 40 डिग्री का। हमें जो ज्ञात करना है वो एंगल है बी ओ ई, बी ओ ई, ये जो कोण हमें इसको मालूम करना कितने का होगा। हमें ये दे रखा है कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों का जोड़ है 70 डिग्री है। अगर हमारे पास ये कोण आ जाए तो फिर हम आराम से कोण बी ओ ई को निकाल सकते हैं। दूसरा में बताना है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई है ये कोण, ये वाला कोण, ये है सी ओ ई, लेकिन हमें बताना है कोण प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, तो सी ओ ई का प्रतिवर्ती हो जाएगा ये नीचे का कोण, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी इस कोण को छोड़ करके बाकी जो कोण बच जाएगा 360 घटा ये कोण सी ओ ई, वो होगा हमारा प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो सबसे पहले हम कोण ए ओ सी निकालेंगे ताकि फिर हमारे पास बी ओ ई आ जाए। हमें दे रखे दोनों का जोड़ 70 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो सी डी और ए बी हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसलिए कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण से कोण है शीर्षाभूमिक कोण, शीर्षाभूमिक कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये कोण हो जाएंगे शीर्षाभूमिक कोण। बी ओ डी हमें दे रखा है 40 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, क्यों, क्योंकि बी ओ डी है 40 डिग्री हमें दिया हुआ है, ए ओ सी हमारे पास आ गया 40 डिग्री। अब यहाँ से देखिए जो हमें दिया हुआ है ए ओ सी और बी ओ ई का जोड़ 70 डिग्री है, क्योंकि कोण ए ओ सी जमा कोण बी ओ ई बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री। ए ओ सी का मान 40 डिग्री यहाँ पर रख देंगे, जमा कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, यहाँ से हमारे पास कोण बी ओ ई बराबर आ जाएगा 70 डिग्री घटा 40 डिग्री 30 डिग्री, तो एक कोण हमारे पास आ गया बी ओ ई 30 डिग्री। ये पार्ट हमारा हो चुका है, इस पार्ट को करेंगे अब। प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालने के लिए पहले हम कोण सी ओ ई निकालेंगे। ए बी एक सरल रेखा है, ये भी हमारे पास एक सरल रेखा है, तो ये जो कोण होगा यहाँ से लेकर के और ये पूरा कोण, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये जो पूरा कोण बनेगा, ये कोण, ये कोण और ये तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा रैखिक युग्म से, तो इन तीनों कोणों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें ए ओ सी और बी ओ ई का मान दे रखा है ऊपर 70 डिग्री, इन दोनों का मान रख देंगे हम 70 डिग्री, जमा कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, यहाँ से कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटा
70 डिग्री, 110 डिग्री। हमने कोण सी ओ ई को मालूम कर लिया 110 डिग्री। तो सी ओ ई का प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर होगा 360 घटा 110, यह आ जाएगा 250 डिग्री, क्योंकि हमें कोण सी ओ ई मालूम कर लिया 110 है। तो उसका प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा? 360 घटा कोण सी ओ ई, 360 में से हम उस कोण का मान घटा देंगे, हमारे पास वो आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण 250 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आकृति 6.14 में, यह आकृति में दी हुई है, रेखाएं एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु ओ है, यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं। यदि पी ओ वाई कोण है 90 डिग्री, ये जो कोण हमारे पास है पी ओ वाई, ये कोण 90 डिग्री, और ए अनुपात बी बराबर है 2:3, इन दोनों कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3, तो सी ज्ञात कीजिए। हमें सी का मान निकालना है, जो हमें दिया हुआ था और जो ज्ञात करना है उसको हमने लिख लिया। यहाँ पर कोण पी ओ वाई 90 डिग्री दे रखा है, ए और बी का अनुपात 2:3 है, और कोण सी हमें ज्ञात करना है। इन सालों में बच्चों जहाँ पर अनुपात दे रखे हैं वहाँ पर अनुपात को हम किसी चर से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हमने ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा 2x और कोण बी बराबर 3x। अनुपात को हमने किसी भी चर से गुणा कर दिया 2x और 3x। एक्स वाई एक सरल रेखा है, तो रैखिक युग्म से इन तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। इस प्रकार से एक रेखा है, तो ये जो कोण बनेगा इस पर कितने भी कोण हो सभी का जोड़ 180 होता है। यहाँ पर तीन कोण हैं, कोण पी ओ वाई जमा कोण ए जमा कोण बी बराबर 180 डिग्री, रैखिक युग्म। कोण पी ओ वाई का मान है 90 डिग्री, दिया हुआ है ए का मान 2x, बी का मान 3x, 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा ये 90 डिग्री जमा 5x बराबर 180 डिग्री, या ये कह सकते हैं कि 5x बराबर 180 घटा 90 डिग्री, यह आ जाएगा 90 डिग्री। 5x बराबर 90 डिग्री, एक्स का मान हो जाएगा 90/5, 18 डिग्री। एक्स का मान हमारे पास आ चुका है, तो ए कोण ए हो जाएगा 2x, 2×18 36 डिग्री। कोण बी है 3x, 3×18, क्योंकि एक्स का मान 18 डिग्री निकाल लिया हमने, 54 डिग्री। ए और बी का मान हमने निकाल लिया, लेकिन हमें मान निकालना है सी का, सी कोण कितने का होगा। अब देखिए यहाँ पर एम एन एक सरल रेखा है, ये जो एम एन है ये एक सरल रेखा है, तो रैखिक युग्म से कोण बी जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, एम एन एक सरल रेखा है, तो रैखिक युग्म द्वारा ये पूरा कोण बी और सी का जोड़ होगा 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एम एन एक सरल रेखा है, इसलिए बी जमा सी बराबर 180 डिग्री, रैखिक युग्म द्वारा। बी का मान हमारे पास है 54 डिग्री, जमा सी बराबर 180 डिग्री, यहाँ से सी का मान हो जाएगा 180 डिग्री घटा 54 डिग्री, ये आ जाएगा 126 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, आकृति 6.15 में, यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण पी आर टी। इस आकृति के अंदर हमें दो कोण बराबर दे रखे हैं, और हमें दिखाना है कि बाकी दो कोण हैं जो वे आपस में क्या होंगे, बराबर।
तो आइए सिद्ध करते हैं इसको। यहाँ पर हमें ये कोण बराबर दे रखे हैं, ये कोण और ये कोण, इसको हम कोण एक और दो मान लेते हैं आसानी के लिए। एक और दो हमें बराबर दे रखे हैं, और इस कोण को हम मान लेते हैं तीन, और इस कोण को मान लेते हैं चार। इनको हमने एक दो तीन चार नंबर दे दिए ताकि हमें आसानी हो लिखने में। हमें एक और दो बराबर दिया हुआ है, तीन और चार को बराबर सिद्ध करना है। एस टी एक सरल रेखा है, इसलिए रैखिक युग्म से कोण एक जमा कोण तीन बराबर होगा 180 डिग्री। कोण लिखेंगे रैखिक युग्म द्वारा। इसी प्रकार कोण दो प्लस कोण चार 180 डिग्री रैखिक युग्म, ये दोनों ही 180 के बराबर हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक जमा कोण तीन बराबर कोण दो जमा कोण चार, क्योंकि ये भी 180 के बराबर और ये भी 180 के बराबर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनका जो बायां पक्ष हो जाएगा बराबर, क्योंकि कोण एक बराबर कोण दो दिया हुआ है। एक जमा तीन बराबर, जहां पर दो है वहां पर हम लिख लेंगे एक, क्योंकि एक और दो बराबर हैं, तो दो की जगह हम कोण एक लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एक की जगह दो लिख सकते हैं या दो की जगह एक लिख सकते हैं। हमने दो की जगह एक को लिख लिया क्योंकि एक और दो बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे। कोण तीन बराबर कोण चार बराबर कोण चार, PRT, यही हमें सिद्ध करना था इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है, आकृति 6.16 में यदि x जमा y बराबर w जमा z, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। इन दोनों कोणों का जोड़ इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। यहाँ पर हमें AOB को रेखा सिद्ध करना है, तो यहाँ पर ये दिखाएंगे हम कि AOB एक रैखिक युग्म बनाता है, कि AOB के ऊपर जो कोण हैं वो रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी उनका जोड़ है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ से AOB एक रेखा सिद्ध हो जाएगी। हमें इस प्रश्न में AOB को एक रेखा सिद्ध करना है, तो AOB रेखा तब होगी जब इसके ऊपर जो कोण बने हुए हैं वो रैखिक युग्म बनाए, यानी उनका जोड़ 180 डिग्री हो, चाहे वो एक्स वाई का जोड़ दिखा दें हम या फिर डब्ल्यू और जेड का जोड़ 180 के बराबर दिखा दें, तो AOB एक रेखा हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो दिया उसको लेके चलेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है डब्ल्यू जमा जेड, इसका यूज करना हमें। एक्स जमा वाई बराबर डब्ल्यू जमा जेड दिया ही। हमारे पास जो कोण है यहाँ पर चार कोण है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इन चारों कोणों को मिला दें हम तो एक पूरा सर्कल हो जाता है यहाँ पर, इसका जोड़ हो जाएगा 360 डिग्री। कोण एक्स जमा कोण वाई जमा कोण जेड जमा कोण डब्ल्यू बराबर होगा 360 डिग्री, इन चारों कोणों का जोड़ 360 के बराबर। अब क्योंकि x जमा वाई और w जमा जेड दोनों बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं, तो हम किसी एक की जगह दूसरे का मान रख सकते हैं। x जमा वाई w जमा जेड की जगह हमने लिख लिया x जमा वाई, w जमा जेड को हमने x जमा वाई से रिप्लेस कर दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो जहां w जमा जेड था वहां पर x जमा वाई लिख लिया, बराबर 360 डिग्री। ये हो जाएगा 2 गुणा एक्स जमा वाई, एक्स जमा वाई दो बार है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, जुड़ के हो जाएगा 2 एक्स जमा वाई बराबर 360। यहाँ से एक्स जमा वाई हो जाएगा 360 भाग 2, 180 डिग्री।
तो हमने ये दिखा दिया कि एक्स और वाई कोण का जोड़ है वो 180 के बराबर है। ये एक्स और ये वाई, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये कोण है, इसका जोड़ 180 है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई रैखिक युग्म बनाते हैं, और एक्स वाई अगर रैखिक युग्म बनाते हैं तो यहाँ से हम ये कह देंगे कि ए ओ बी एक क्या है, रेखा। अतः ए ओ बी एक रेखा होगी, यही हमें इसमें सिद्ध करना था। फिफ्थ क्वेश्चन है, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण क्यू आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर होगा 1/2 कोण क्यू ओ एस घटा कोण पी ओ एस। ये हमें सिद्ध करना है। दिया हमें क्या है कि ओ आर रेखा पी के ऊपर लंब है। आर ओ एस को बराबर दिखाना हमें 1/2 क्यू ओ एस घटा पी ओ एस। तो पहले आर ओ एस को लेके चलते हैं। आर ओ एस बराबर होगा, यहाँ से आर ओ एस को लिख सकते हैं क्यू ओ एस घटा आर ओ क्यू। ये आर ओ एस कोण को हमने लिख दिया क्यू ओ एस घटा आर ओ क्यू। इस पूरे कोण में से ये कोण घटाएंगे 90 का, तो ये बच जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं इसको, कोण आर ओ एस बराबर क्यू ओ एस घटा, अब देखिए आर ओ क्यू 90 डिग्री है, दिया हुआ है आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री का है, तो आर ओ पी या पी ओ आर भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। इसलिए पी ओ आर बराबर 90 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म से ये पूरा कोण का जोड़ हो जाएगा, आर ओ क्यू और पी ओ आर का जोड़ 180, ये 90 का कितने का बचेगा, 90 डिग्री का। तो आर ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं पी ओ आर, क्योंकि दोनों बराबर हैं ये, तो इसकी जगह हमने पी ओ आर लिख दिया। आगे हल करेंगे इसको, कोण आर ओ एस बराबर क्यू ओ एस घटा पी ओ आर, पी ओ आर को बदलेंगे, पी ओ आर को हम लिख सकते हैं पी ओ आर, ये कोण, ये कोण दो कोण का जोड़ है, पी ओ आर इस पी ओ एस और आर ओ एस का जोड़ है। तो हमने पी ओ आर को लिख दिया कोण पी ओ एस जमा कोण आर ओ एस या एस ओ आर, आर ओ एस लिख दिया हमने इसको, कोण क्यू ओ एस घटा कोण पी ओ एस घटा कोण आर ओ एस। आर ओ एस को इधर ले आएंगे, यहाँ पर पहले से आर ओ एस है बराबर, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर बचेगा क्यू ओ एस घटा पी ओ एस, आर ओ एस जमा आर ओ एस हो जाएगा 2 आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस घटा कोण पी ओ एस। दो को इधर लेके जाएंगे, आर ओ एस बराबर हो जाएगा 1/2 कोण क्यू ओ एस घटा कोण पी ओ एस, और ये हमें इसमें सिद्ध करना था। तो इसमें सिंपली बच्चों आपने क्या करना है, जो कोण आर ओ एस उसको लेके चलेंगे, आर ओ एस को हम लिख सकते हैं कोण क्यू ओ एस घटा आर ओ क्यू, फिर आर ओ क्यू को हम बदल देंगे पी ओ आर से, क्योंकि दोनों बराबर हैं, पी ओ आर को लिख सकते हैं ये कोण और इस कोण, दोनों कोणों का जोड़, और इसको हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर है 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, हमें यहाँ पर आकृति को बनाना है। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए।
पहले यहाँ पर हम आकृति बनाएंगे, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले हम एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई इसको बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, आगे बढ़ा देते हैं इसको पी तक, ये बिंदु पी है। दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड तो कोण बनेगा इधर कोई 64 डिग्री का, इस तरह से ये कोण दिया हुआ हमें 64 डिग्री। कोई किरण वाई क्या है जो कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, वाई क्यू इधर से, ये वाई क्यू है जो इस कोण को जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ये कह सकते हैं कि यहां से ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि इसको समद्विभाजित करती है। हमें मालूम करना है कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। हमें दिया हुआ कि कोण एक्स वाई जेड बराबर है 64 डिग्री और कोण एक और दो बराबर हैं। हमने एक मान लिया है कोण क्यू वाई पी को और दो मान लिया है क्यू वाई जेड को, इनको एक दो हमने मान लिया अपनी सुविधा के लिए। हमें ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू, ये जो कोण होगा एक्स वाई क्यू, ये पूरा कोण 64 और 2 को मिला के जो पूरा कोण बनेगा वो कितने का होगा। दूसरा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इस कोण एक का प्रतिवर्ती कोण भी हमें ज्ञात करना है। कोण एक जमा कोण दो जमा कोण 64 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री रैखिक युग्म द्वारा। देखिए यहाँ पर ये एक्स पी एक रेखा है, इसके ऊपर कोण बना हुआ है 1, 2 और 64 डिग्री, इन तीनों कोणों को मिलाएंगे तो हम कोण हमारे पास आएगा 180 डिग्री रैखिक युग्म द्वारा। 1 जमा 2 बराबर 180 डिग्री घटा 64 डिग्री, घटा देंगे इसको ये हमारे पास बच जाएगा 116 डिग्री। एक और दो का जोड़ आ गया हमारे पास 116 डिग्री। एक और दो क्या है बराबर, क्योंकि एक बराबर है 2, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण एक बराबर कोण 2 बराबर 116 डिग्री बटे 2 58 डिग्री। एक और दो का जोड़ है वो 116 के बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो एक कोण हो जाएगा, प्रत्येक कोण हमारे पास हो जाएगा 58 डिग्री का, एक भी 58 का और दो भी 58 डिग्री का। हमें मालूम करना है कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, ये बराबर है 64 डिग्री जमा कोण 2, ये कोण एक्स वाई क्यू, ये कोण 2 और 64 के बराबर, 64 डिग्री जमा कोण 2, कोण 2 का मान निकाल लिया हमने 58 डिग्री, ये हो जाएगा 122 डिग्री। तो यहाँ से हमने एक मान निकाल लिया है, दूसरा निकालेंगे प्रतिवर्ती कोण 1 या कोण वाई क्यू वाई पी, इस कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। तो पहले हम कोण निकालेंगे 1 जो हमने निकाल लिया है कितना है 58 डिग्री, अब उसको हम घटा देंगे 360 में से तो वो बच जाएगा 1 का प्रतिवर्ती, क्योंकि कोण 1 बराबर है, या ये कह सकते हैं कि कोण क्यू वाई पी बराबर है 58 डिग्री, इसलिए प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर होगा 360 डिग्री घटा 58 डिग्री, ये आ जाएगा 302 डिग्री, यही हमारा इसका मान हो जाएगा। क्योंकि बच्चों प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए जिस कोण का भी हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है 360 में से उस कोण का मान घटा देंगे। तो प्रश्नावली 6.1 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।